कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को शैलजा ने कहा है कि किसानों व सरकार के बीच जो गतिरोध बना हुआ है वह केवल सरकार की जिद के कारण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने इस मुद्दे को संवेदनहीनता से लिए हैं, कहीं न कहीं सरकार कटघरे में खड़े होती है। उन्होंने कहा कि सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों कानून रद्द कर देना चाहिए और साथ में जोड़ा कि कोरोना काल के अंदर इस तरह के कानून लाने का कोई समय नहीं था। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को शैलजा आज सिरसा के रानिया रोड पर निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रही थी। गतिरोध सरकार की जिद के कारण बना हुआ है। सरकार ने ऐसा कार्य किया है जिसकी शायद देश किसान कोई कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसे कानून थोप दिए गए और कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी कि बिना बात किए आपने किसी से भी किसी संगठन से ऐसे कानून बना दिए। और आज जब ये गतिरोध बना है तो ये सरकार के कारण बनना है। आपने देखा कि पिछले दिनों भी, चाहे 26 जनवरी की बात हो उसके बाद हो, ये जिस तरह से इस सिचुएशन को एक संवेदनहीनता से हैंडल किया गया है, तो इसके लिए पूरी की पूरी सरकार कटघरे में खड़ी है। सरकार आगे बढ़ना नहीं चाहती। अगर आप कह सकते हो कि आप इतने दिन के लिए कानून स्थगित कर सकते हो, तो आपको कौन रोक रहा है? सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि इन कानूनों को ये बिल्कुल ख़त्म कर दें, स्थगित कर दें। ये कोई समय नहीं था ऐसे कानून लाने का। राहुल गांधी जी बार बार महापंचायत कर रहे हैं, सरकार का आरोप है किसानों को भड़का रहे हैं। ऐसा है, किसानों को भड़काने का कोई नहीं। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले इन तीनों काले कानूनों के बारे में कहा था कि ये देश के हित में नहीं है, अन्नदाता के हित में नहीं है। सबसे पहले आवाज़ राहुल गांधी जी ने उठाई थी इसके बारे में, और लगातार चाहे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, वो किसानों के बीच में रहे हैं, ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं, किसानों की बात उठा रहे हैं। हमारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, ये हमारा फर्ज है किसानों की और आम लोगों की, मजदूरों की आवाज़ को उठाना। कृषि मंत्री जेपी दलाल का एक बड़ा बयान आया, विवादित टाइप बयान आया, किसानों मारे जाने पर कहने मृत्यु पर बयान किसान आया। ये आप देख रहे हैं कि इनकी कितनी संवेदनहीनता है, किसी के दर्द को पहचान नहीं रहे। जहाँ से हम उठे हैं, एक एक जिस जमीन से उठे हैं, उस अन्नदाता को, मजदूर को आप भुला दें, और ये जो मानसिकता है इनकी, किसी के दर्द को ना पहचानना और केवल अपनी बात को थोपना, आप देखिएगा आगे आने वाले समय में इसी तरह की इनकी जो सोच है इसको पूरा जवाब मिल जाएगा। किसी के जाने पर जो इस संसार से जाता है, और ये लोग एक आंदोलन लेकर जो घर से बाहर निकले, मुझे बता दीजिए, आप और हम कोई भी एक दिन भी घर से बाहर जाता है उसकी यही इच्छा होती है कि वो वापस घर में जाकर सोए। जो लोग अपना घर बार छोड़कर ठंड में जा रहे हैं किसानों के लिए, केवल अपने लिए नहीं कोई जा रहा है, ये सभी पूरे कौम के लिए, किसान मजदूर के लिए जा रहे हैं। उनका संघर्ष है, एक आंदोलन है, और उस आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी सेहत, चाहे वहाँ पर हो या कहीं और पर जाकर, जो उनकी सेहत बिगड़ती है, उनकी जान जाती है, आप उस बात को समझ नहीं रहे और इस तरह की बातें आप करते हैं। मत भूलिए कि ये दरबार जनता का दरबार, भगवान का दरबार होता है। मैम, पिछले दिनों अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था, और अभय सिंह चौटाला अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा देने से कोई समस्या का समाधान होगा? देखिए, अब ये अलग अलग राजनीति जिस तरह से कर रहे हैं, एक पार्टी है, रीजनल पार्टी है, अकेले वो अपनी पार्टी के विधायक रहे, उनका फैसला है, जिस तरह से भी जो भी दिखाना चाहते हैं। अब बाई इलेक्शन होगा, फिर से चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, तो वो भी क्या हल होगा। अच्छा होता, ये लड़ाई होती है ज़मीन पर भी होती है, सदन में भी होती है, लोगों ने जहाँ पर भेजा वहाँ पर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होता है, लोगों की आवाज़ को उठाना होता है, अपनी अपनी सोच। हमारी तो नेशनल पार्टी है, हम सदन में भी लड़ाई लड़ेंगे और ज़मीन पर भी। कलाजय सिंह चौटाला का भी बयान था कि दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा उनकी जेब में है, बशर्ते अगर इससे इस्तीफे से अगर कोई कानून रद्द होते हैं तो जरूर दे देंगे इस्तीफा। देखिए, कानून रद्द तो ये पहले ही करवा सकते थे ना। आज बात केवल इस्तीफे की नहीं है, बात ये है कि जब ये कानून बने या अध्यादेश आए,
तब आप कहाँ खड़े थे? असली बात तो ये है, आप किसानों के साथ हैं या सरकार के और अध्यादेश और सत्ता के साथ हैं? सवाल ये है। वाद विवाद का कोई मतलब नहीं है, बात यह है कि किसानों की लड़ाई में हम किसान के साथ खड़े हैं या सरकार के साथ, जो ये तीन काले कानून लेकर आई है। असली जवाब ये है।